अस्सलाम वालेकुम सिप की क्या हाल है। इस वीडियो में हम बात करेंगे ओवर नोट के बारे में। मैं कुछ दिनों से ऑनलाइन नहीं रहा। मैंने इधर पहले ही कर दिया हुआ था कि मेरे एग्ज़ाम वगैरह चल रहे हैं। अभी भी एक रहता है यहाँ पे, आप देख सकते हैं 19 को। बाकी जितनी भी हमने मिस किए हैं ड्रॉप वगैरह, वो मैं सब कोशिश करके जल्द से जल्द उनको कवर करूँगा वीडियोज़ के अंदर और टेलीग्राम चैनल के अंदर। मस्त टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। अब हम बात करते हैं ओवर नोट के बारे में। ओवर नोट की मैं वेबसाइट का लिंक आपको इधर दे दूंगा, ओवर प्रोटोकॉल। आपने यहाँ पे आना है और जून सा आप यूज़ कर रहे हैं, विंडो यूज़ कर रहे हैं या मैक यूज़ कर रहे हैं, आपने यहाँ पे क्लिक करके इनका सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना। तकरीबन आई थिंक 134 MB का ये होगा पैक। आप इसे डाउनलोड कर लें, डाउनलोड करके आप इनको इंस्टॉल कर लें। मैं यहाँ पर ट्राई कर रहा हूँ अभी रिमोट रन करने के लिए, कि मेरा अभी भी यहाँ पे ये भी फर्स्ट स्टेप यहाँ पे हुआ, सेकेंड स्टेप रहता है। यहाँ तक आपने किस तरह इस लेवल पे किस तरह पहुंचना है, मैं आपको गाइड करता हूँ। डिफरेंट काइंड ऑफ यहाँ पे टास्क है, यहाँ पे कह लें कि वेज आपने इसको करना, लेकिन ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। मैं आपको गाइड करता हूँ। सारे स्टेप्स के मैंने स्क्रीनशॉट लेके रखे हैं, क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग है। मैंने सबसे पहले आपने इनको डाउनलोड करना है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के बाद आपने इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद ओपन करेंगे तो आपके पास ये लेआउट आएगा। आपने गेट स्टार्टेड पर क्लिक करना है। उसके बाद आप इस पेज पर आ जाएंगे। आपने यहाँ पे करना है यस आई हैव वन, आपके पास ओवर वॉलेट अगर है तो यस आई हैव वन करना है। उसके बाद यहाँ पे आके आपको ये QR कोड नज़र आ रहा है, जहाँ पे ये मैंने रेड कलर से ये पेन इस्तेमाल किया हुआ है। यहाँ पे आके आपने अपना ओवर वॉलेट जो सा आपके मोबाइल में है वो ओपन करना है, और उसके टॉप राइट कॉर्नर पे स्कैन का ऑप्शन होगा, आपने यहाँ पे स्कैन करना है। अभी स्कैन करने में कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं। मेरा एक मोबाइल से स्कैन नहीं हो रहा था, फिर मैंने अपना वॉलेट जो सा है और प्रोटोकॉल वो मैंने दूसरे मोबाइल में करके वहाँ से स्कैन किया, तो वहाँ से स्कैन हो गया था। यहाँ पे कुछ लोगों को प्रॉब्लम आ रही है, मेरा ही प्रॉब्लम आया था, लेकिन मैंने इस तरह सॉल्व कर लिया। उसके बाद आपने आपके पास ये शो हो जाएगा पेज, आपने लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक करना है। उसके बाद आपने यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपने चूज़ करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है ना चेंज स्टोरेज लोकेशन। अगर आपके पास स्टार्टिंग में ये सी आपका यहाँ पे इन्होंने किया होगा डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट, मेरा सी में यहाँ पे जगह नहीं थी, 20 GB स्पेस नहीं थी। मैंने यहाँ पे चेंज कर लिया डी के अंदर। आप भी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है, और आपके पास ये आएगा, आपने इसे अलाउ एक्सेस करना है। ये 2 दफ़ा आएगा या 3 दफ़ा आएगा, आपने इसको अलाउ करना है। अलाउ करने के बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करके आप टर्म्स एंड कंडीशन वाले पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद आपने एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशन पे क्लिक करना है। उसके बाद आप इस पेज पे आ जाएंगे। अब ये जो सा पेज है सिंकिंग नोट डाटा, ये आपके मोबाइल के साथ आपको मोबाइल एप्लीकेशन के साथ आपको सिंक कर रहा है और नोट डाटा यहाँ कलेक्ट कर रहा है। ये जो सा प्रोसेस है, ये तकरीबन 2 से 3 दफ़ा किया है। पहले 2 आवर्स किया लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, यहाँ पे 50% पे जाके स्टक हो गया था। फिर मैंने दोबारा कैंसिल करके दोबारा किया, फिर स्टक हो गया, और एक दफ़ा 66% पे गया और फिर दोबारा 50% पे आ गया। ये बार बार एरर दे रहा था। लास्ट नाइट में इसको लगा के सो गया था, और सुबह तक 4-5 घंटे के अंदर ये सुबह तक मेरा हो गया हुआ था, सिंक हो चुका हुआ था। ये ज़रा टाइम कंज्यूमिंग है। जब भी आप नोट आपने रन करनी है, तो आपने अपने जो लैपटॉप है वो चला छोड़ना है, क्योंकि आप जितनी दफ़ा इसे बंद करेंगे, इस प्रोग्राम को बंद कर देंगे, जब आप दोबारा लैपटॉप या PC ओपन करेंगे, तो आपको ये दोबारा सिंकिंग स्टार्ट हो जाती है। जो होती तो टाइम कंजप्शन कम है पहली की निस्बत, जो आपके 3-4 घंटे लग जाएंगे उसकी निस्बत कम होगी, 1-1.5 घंटे में हो जाएगी, लेकिन बार बार ये सिंकिंग स्टार्ट हो जाती है, तो फिर आपने इसको ऑन रहने देना जितना हो सके। उसके बाद आप मेरा कर्सर देख सकते हैं, आपने वैलिड डिटेल्स पर क्लिक करना है नोड रन करने के लिए। आपने यहाँ पे लेट्स गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। उसके बाद आपका ये आएगा, आप यहाँ पे रीड कर सकते हैं जो आप रीड करना चाहते हैं। उसके बाद आपने श्योर आई गॉट इट पे क्लिक करना है, और आप यहाँ पे चल जाएंगे। आपको एक नोड रन करने के लिए 256 ओवर वॉलेट के टोकन, टेस्ट नेट टोकन चाहिए होंगे। ये जो टेस्ट नेट टोकन है, अगर किसी के पास, किसी ने जो उनके पहले क्विज वगैरह से हम पॉइंट्स जमा कर रहे थे, अगर किसी के पास 1 पॉइंट भी था, उसे वो डेली ग्रांट 10 ओवर टोकन, टेस्ट नेट टोकन क्लेम कर सकता है अब ऐप के अंदर से। और जिनके पास 10,000 से ज़्यादा पॉइंट्स थे, उनको 500 पॉइंट्स एक्स्ट्रा दे दिए गए हैं स्टार्ट के अंदर ही। जिसके पास जितने हैं वो कर सकता है। अगर किसी के पास सिर्फ 10-10 आ रहे हैं डेली के ग्रांट के, वो 26 दिन करके
260 करके फिर अपनी जो सी नोड है वो रन कर सकते हैं। सो उसके बाद अश्योर कोट इट पर क्लिक करें और यहाँ पे आके आप ये देख सकते हैं। मैं आपको पहले बता रहा था कि आपने अपना डाउन टाइम कम रखना है, मतलब कि आपने नोड को बंद कम करना है। यहाँ पे देख सकते हैं मिनिमाइज डाउन टाइम टू अवॉइड पेनल्टीज। सो जितना आप अपनी नोड को बंद रखेंगे या शट डाउन रखेंगे उतने आपके ऊपर पेनल्टीज ये लगाएंगे। और अगर आप 7 दिन से ज़्यादा करेंगे तो लिखा हो ऑफलाइन फॉर मोर देन अ वीक योर वैलिडिटी स्टेटस विल बी ऑटोमेटिकली टर्मिनेट। सो आपने ये लाजमी यहाँ पे रीड कर लेना है। उसके बाद श्योर आई गॉट इट पे क्लिक करें और यहाँ पे आएंगे और दोबारा क्लिक करें आई हैव रिव्यूड और यहाँ पे आप आ जाएंगे। अब इस स्टेप के बाद आपके पास यहाँ पे एक फ्रेज की आएगी। ये दो स्टेप जो से मेरे टिक किए हुए हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा कर्सर। सो यहाँ पे फ्रेज की आएगी, आपने वो फ्रेज की सेव करनी है और वो दोबारा फ्रेज की आपसे पूछेंगे आपने सेव की कि नहीं। डिफरेंट मतलब कि आठ अपनी फ्रेज की का एट्थ वर्ड बताएं, नाइन्थ वर्ड बताएं, इस तरह करके आपका होगा। सो वेरिफिकेशन करेंगे और उसके बाद ये आ जाएगा कि आपने बैकअप कर लिया है सक्सेसफुली। सो आपने यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब जहाँ पे मैंने एक रन किया है नोड, एक रन किया है क्यों मैं चेक करने के लिए कर रहा हूँ। सो एक किया, जितने ज़्यादा आपके पास पॉइंट होंगे मैं 512 पॉइंट के अंदर मैं दो नोड रन कर सकता हूँ, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे एक किया, मैं एक पे यहाँ पे क्लिक करके नीचे नेक्स्ट वाला ऑप्शन आएगा, नेक्स्ट पे क्लिक करें और यहाँ पे आपने ये पढ़ लेना है, रिमाइंडर है। और यहाँ पे जिस चीज़ को पढ़ते जाएंगे क्लिक करके चेक करते जाना है। अब स्टेक नाउ पे क्लिक करेंगे, कन्फर्म स्टेक हो जाएगा और यहाँ पे आई एम डन आपने क्लिक करना है। सो अब यहाँ देख सकते हैं योर अकाउंट इज एक्टिवेटेड, लेट्स शेप द फ्यूचर ऑफ ओवर टुगेदर। सो अब गो टू डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे और आपके पास ये आ जाएगा वैलिडेटर वाला पेज। सो अब यहाँ देख सकते हैं जब मैंने स्टार्ट किया तो यहाँ पे लिखा आ रहा था द वैलिडेटर विल बिकम एक्टिव इन अप्रोक्सीमेटली 1 मिनट। और लेकिन अब जो लिखा आ रहा है मैं आपको दिखा दूँ, और अब यहाँ देख सकते हैं अब लिखा आ रहा है 21 मिनट, अप्रोक्सीमेटली 21 मिनट। तो तकरीबन इसको 1 घंटे से ज़्यादा हो गया, ये अभी तक एक्टिवेट नहीं हुआ। सो जब आपका ये वाला पार्ट हो जाएगा उसके बाद आपका मेरे यहाँ कर्सर देख सकते हैं अभी आप इस पार्ट पे हैं। अब सेकंड पार्ट पे जाने के लिए आपको ये पार्ट पहले कंप्लीट करना होगा। जब ये आपका पार्ट कंप्लीट हो जाएगा सो आप अपने जो सा अपने पीसी वगैरह वो ऑन रखना है तो ये पार्ट कंप्लीट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। सो आपने ये कर लेंगे तो फिर सेकंड पे जाएंगे, फिर सेकंड पे आपको तकरीबन एटलीस्ट 8 आवर्स लगेंगे आपका नोड रन या फिर एक्टिवेटिंग होने के लिए। आपको यहाँ पे जब आप जाएंगे सेकंड पॉइंट पे आपको यहाँ पे शो कर दिया जाएगा कि इतनी देर में आपकी जो नोड है वो एक्टिवेट कर दी जाएगी। लेकिन उस पर भी आपने अपना लैपटॉप या पीसी जिस पे भी आप कर रहे हैं वह आपने ऑन रखना है। सो ये तकरीबन कुछ लोगों का 100 आवर्स प्लस यहाँ पे शो कर रहा है कि इतनी देर में एक्टिवेट होगी। सो अभी के लिए यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एरर वगैरह आ रहे हैं और जिसकी वजह से हर चीज़ यहाँ पे स्लो की जा रही है। सो ये आपने वैलिडेटर की साइड देख ली, आपने नोड का देख लिया। अभी तक यहाँ पे 31,554 लोगों ने यहाँ पे और नोड रन की है। और बाकी यहाँ पे पाल्म स्टेकिंग है। पाल्म स्टेकिंग का मतलब है आप मोबाइल के अंदर जो आप स्टे कर सकते हैं विदाउट नोड, वो भी मैं आपको गाइड कर देता हूँ, एक सेकेंड। सो आप अपने मोबाइल के अंदर ऐप ओपन करेंगे और मेरा कर्सर देख रहे हैं यहाँ पे ये ब्राउज़र वाला कह लें या स्टेकिंग वाला ऑप्शन है, यहाँ पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पे आके आपने स्टेक पे क्लिक करना है। ये आपका पाल्म स्टेकिंग यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। होम स्टेकिंग वो है जो हमने नोड रन करनी है, जो भी अब आपको मैंने पहले गाइड किया। पाल्म स्टेकिंग आपने मोबाइल के अंदर जो स्टेक करना है। अब रिवार्ड में फ़र्क देख सकते हैं, ठीक है। ये मैंने कल का चेक किया हुआ, यहाँ पे 28,000 वैलिडेटर्स आ रहे थे, अब आज बढ़ गए हैं। सो आपने यहाँ पे स्टेक पे क्लिक करना है पाल्म स्टेकिंग में। उसके बाद आपके यहाँ पे अमाउंट बताई जाएगी कि आपने यहाँ पे कितनी अमाउंट करनी है। मैंने यहाँ पे 5 की थी, मैंने 2 दफ़ा किया है, एक दफ़ा 15, एक दफ़ा 5 जून से है वो मैंने यहाँ पे किया। यहाँ पे नेक्स्ट पे आपने क्लिक करना है और आपके यहाँ पे थोड़ी ट्रांजेक्शन फीस लगेगी, वो आपके टेस्टनेट टोकन में लगेगी और आपका ये स्टेक कम्प्लीट हो जाएगा कुछ देर के अंदर, फ्यू सेकेंड के अंदर। सो इस तरह के बस ये 2 तरह की यहाँ पे स्टेकिंग इस वक्त चल रही है, एक आपका मोबाइल के अंदर और एक आपके ये नोट पे। सो मस्ट आप ये ज्वाइन कर लें, लेकिन इसमें मेन चीज़ ये है कि आपने अपने सिस्टम को रनिंग में रखना है, आपने ऑन रहने देना है। जितना ज़्यादा आप इसे ऑन रहने देंगे आप डाउन टाइम आपका कम होगा, उतना ज़्यादा आपको रिवार्ड एट द एंड मिल सकता है। सो अभी यहाँ पे ग्लिचीज़ यहाँ पे एरर की वजह से ये बहुत स्लो हो रहा है, मैं आपको दिखा भी रहा हूँ। अभी यहाँ पे अभी भी 18 मिनट लिखा आ रहा है लेकिन ये बार बार 30 मिनट पर चल जाता है, फिर नीचे आ जाता है, फिर ऊपर चल जाता है, ये इसी तरह चल रहा है। सो मस्ट आप इसे ज्वाइन कर लें और कोई भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है
कोई भी क्वेश्चन आपका आप यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, मैं आपको गाइड कर दूंगा। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। स्टे सेफ एंड हैप्पी। अल्लाह हाफिज़।